आवर सिस्टम आर नाट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो गाइस मैं जियो एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहा था तो मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा था, कई बार ट्राई किया तब भी जाके लॉग इन नहीं हो रहा था, इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा था कि आवर सिस्टम आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर डालने के बाद कई बार ट्राई करता हूँ, ट्राई करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार ट्राई करने के बाद भी जाके लॉग इन किया, वो लॉग इन कैसे किए सब कुछ आपको प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपका इस तरीके से सॉल्व नहीं होता तो भी कमेंट करेंगे, मैं अगला वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को सलूशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जियो एप्लीकेशन मेरा इंस्टॉल है, लेकिन जब मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ तो लॉग इन नहीं होता है। तो सिंपली आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा, और वो सेटिंग क्या है, उस सेटिंग को सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना होगा, यानी कि आपके मोबाइल का जो सेटिंग है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपका मोबाइल का सेटिंग थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि कोई वीवो चला रहा है, कोई MI के चला रहा है, कोई Realme चला रहा है, सब में थोड़ा अलग सेटिंग होता है, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट ढूंढना है, या फिर ऐप्स एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐप मैनेजमेंट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल का सारा एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद हो जाता है, जितने मोबाइल जितने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है माई जियो, तो आपको माई जियो ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सर्च करना पड़ेगा ऊपर की तरफ से, आप सबसे ऊपर जाएंगे वहाँ पर आपको सर्च का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो माई जियो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं माई जियो सर्च कर लेता हूँ। जियो सर्च करेंगे तो माई जियो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़, डाटा यूज़ दो ऑप्शन देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डाटा करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद जस्ट 1 सेकंड के बाद आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन में जाने के बाद तुरंत आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तुरंत आप लॉगिन हो जाएंगे, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा।